नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आपको जो हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीर एक विक्रम नाम के युवक की है, विक्रम नाम के व्यक्ति की, जो कि एक सड़क हादसे का शिकार जो है वो होता है, एक एक्सीडेंट जो होता है और उसके बाद इसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये सावंत गाँव का रहने वाला ये व्यक्ति, जो कि फिलहाल बताया जा रहा है कि रात के समय ये काम से वापस लौट रहा था, जिसके बाद जो है अज्ञात वाहन जो है इसे टक्कर मार देता है। और जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार ये पता लगा है कि जो लगभग जो वाहन था वो कोई एक कार थी जिसने उसे टक्कर मारी, उसके बाद जो है वो कार चालक फरार हो जाता है। बाकायदा यहाँ पर बता दें कि वो काम से वापस लौटते वक्त ये हादसा होता है और ये हादसा रात के समय में हुआ था। बाकायदा उनके कुछ परिजन जो हैं मौके पर हैं, बाकायदा जो महिलाएँ हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैसे जो है उन्हें कब ये जानकारी लगी और ये हादसा आखिर पूर्ण रूप से हुआ कैसे था, हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये विक्रम क्या लगता था जी आपका? मौसी का लड़का। तो ये हादसा आपको कब पता लगा और कैसे हुआ हादसा? रात पता लगा सर जी। अच्छा। तो एक्सीडेंट हो गया है, अब ये नहीं पता किस चीज से हुआ है और कैसे हुआ है। कोई गाड़ी के बारे में पता नहीं चला कि किसने मारा? अभी कह रहे हैं अभी कार थी, पता नहीं फिलहाल। अच्छा, ये पता चला कि कार है? हाँ कार है। पैसे लेने गया दिहाड़ी वाले। अच्छा, दिहाड़ी वाले पैसे लेने गया? हाँ, पैसे लेने जा रहा था घर से, वहीं से नहर से ऊपर आया, जा रहा जाते वक्त हुआ है। हाँ, घर से आ रहा था पैसे लेने, झांबे से जा रहा था, पैसे भी ले हूँ अपना खर्चा खुर्चा, ठंडा है, बच्ची बीमार थी, मालिक से पैसे लेने जा रहा। हाँ, पैसे लेने, कार वाले ने मार के चला गया, कार वाले को तो पकड़ना चाहिए ना, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, गरीब बंदे हैं। हाँ, उसका माँ बाप भी नहीं है, कोई सुनाई हो रही हमारी, सुनाई तो होनी चाहिए गरीबों की, गरीबों की सुनाई होनी। शादीशुदा था? हाँ हाँ, शादीशुदा लड़की भी है। लड़की है? हाँ, एक डेढ़ साल की लड़की है। हाँ, डेढ़ साल की है लड़की। डेढ़ साल की लड़की। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? मतलब कि जो गाड़ी चालक है उसका किसी का पता नहीं चल नहीं पता पता छोटी छोटी एक गुड़िया है, चाहिए उसको पकड़ना चाहिए, बाद में हम उसको ले जाएंगे। हम ऐसे नहीं ले जाते विक्रम को, कार वाले की कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ना चाहिए पुलिस ने। गाँव बता रहे हैं सावंत गाँव में। हाँ, सात। हाँ, हाँ, और ये पता लगा है हादसा हुआ किसके आसपास है, कहाँ पर हुआ, किस जगह? वही झांबे के पास हुआ है। झांबे के पास? झांबे के परली तरफ नहर नहीं है, दो नहर आती है, वहीं पर हुआ है। वहीं पर हुआ है। हाँ। जो मोटरसाइकिल है वो भी क्या टूट, पूरी टूट गई? हाँ, टूट गई, पूरी टूट गई। हाँ, पूरी टूट चुकी है। और इसको विक्रम को कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? विक्रम को तो हम तो अभी आए ना, अभी देखेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, देखा आपने उसको? देखा तो नहीं, देख नहीं पाया, नहीं देख पाया, देखा नहीं हमने तो। हमारे को तो रात 6 बजे 7 बजे पता लगा है, हमारे को तो अभी एक्सीडेंट हो गया है। अपने गाँव से मासी है विक्रम की। आप मासी हैं? हाँ, मासी है। के विक्रम के माता पिता है नहीं? अच्छा, है नहीं, नहीं। भाई है उसका? मेरी बहन को 4 महीने हो गए मरी हुई को। और उसका भाई है उसका अभी? दो भाई है, उससे बड़े है। ये छोटा था दोनों से, डेढ़ साल की गुड़िया भी है विक्रम की। ये तो साफ होना चाहिए हमारे साथ। हम विक्रम को ऐसे नहीं ले जाते यहाँ से, हम कार वाले को पकड़वाएंगे, कुछ इंसाफ चाहिए हमारे को। पुलिस कर रही कार्रवाई, FIR चाहिए भाई हमारे को बस। गाड़ी वाले का पता चला? गाड़ी वाले को हमारे को पता नहीं चला, एक तो दूसरा जन सा विक्रम के साथ में था उसको पता लगेगा। ये जिस जगह पर हादसा हुआ बता रहे हैं, नहर के पास हुए, वहाँ तो फिर कोई कैमरा वगैरह नहीं होता वहाँ पे? कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है, जंगल है वहाँ, जंगल है। हाँ, जंगल है। तो बता दें कि ये पूरा का पूरा हादसा आप देख पा रहे हैं कि जो ये मासियां हैं जो विक्रम की, और बकायदा आप देख रहे हैं कि सभी जो हैं फिलहाल यही कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। हालांकि जो विक्रम का भाई है वो बकायदा पुलिस की कार्रवाई के अंदर लगा हुआ है, ताकि आगे जो है उस गाड़ी के बारे में पता चल सके आगे की कार्रवाई में कि आखिर कौन सा कार चालक है जिससे ये हादसा हुआ। बता रहे हैं जो विक्रम की बाइक है वो पूर्ण रूप से चकनाचूर जो है वो हो चुकी है, यानी टूट चुकी है, और लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और इन सड़क हादसों से
हम हमेशा ही यही उम्मीद करते हैं कि हम जब भी सुबह मर्चरी हाउस में आते हैं तो हमें लगातार यहाँ पर सड़क हादसे के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर शव आते हैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर और लगातार जो है सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। आपसे अपील करेंगे वाहन को ध्यान से चलाएँ, अपनी वाहन जो है उनकी रफ्तार को आप काबू में ज़रूर रखें और कहीं ना कहीं अपनी जान और दूसरों की जान को भी खतरे में लोग डालते हैं। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें। एक परिवार आप समझ सकते हैं एक गलती से कितने परिवार उजड़ जाते हैं और अभी विक्रम है उसकी 1.5 साल की बच्ची भी है। तो ऐसे में फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो पुलिस है वो निष्पक्ष कार्रवाई जो है जरूर करेगी। हालांकि FIR जो है वो फिलहाल मेरे ख्याल से अज्ञात वाहन जो है उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन अगर कोई फुटेज सामने आ पाई तो ही पता लग पाएगा कि आखिर वो कौन सा कार चालक था जिससे ये हादसा हुआ, या फिर पुलिस अगर सही से कार्रवाई करने का प्रयास करे तो शायद जो है पता लग सकता है। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।